उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर का गणेश चतुर्थी के अवसर पर आकर्षक श्रृंगार कर लड्डुओं का भोग लगाया गया। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मध्याह्न काल में जगह जगह गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर स्थित प्रतिमा का पंचामृत से स्नान कराने के बाद आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात पूजन अर्चन कर गणेश जी की आरती की, तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लेते हुए प्रसादी ग्रहण की। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी जो है ये भगवान का प्राकट्य दिन माना गया है और उस प्राकट्य के ही उत्सव को अपन प्राकट्य उत्सव के स्वरूप में 10 दिन तक जो गणेश उत्सव मनाया जाता है उस हर दिन अपन भगवान को बाल स्वरूप में देख के दर्शन करने का श्रृंगार करने का प्रयास करते हैं और दर्शनार्थियों को दर्शन करवाते हैं और 10 दिन तक ये इसी प्रकार से उत्सव मनाया जाता है। हर दिन भगवान का श्रृंगार करना, आरतियाँ करना और प्रसाद वितरण करना और इस उत्सव को लोग आने दर्शन करें और उसका पुण्य फल जो मिलता है वो सभी श्रद्धालुओं को मिले, ये गणेश उत्सव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।